राजस्थान में भीषण गर्मी एक सप्ताह से कहर बरपा रही है। हीट वेव से प्रदेश में एक ही दिन में 15 लोगों की मौत हो गई। जालौर में लू के कारण एक महिला सहित 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। वहीं बालोतरा में भी एक युवक की जान गई है। खेरतन में गर्मी से 7 मोरों ने दम तोड़ दिया। मौसम विभाग ने एक दर्जन से अधिक जिलों को अलर्ट जारी किया है। जिलों में तापमान बढ़ोतरी होगी और हीट वेव की चेतावनी भी जारी की गई है। वहीं हीट वेव से बालोतरा जिले की पशपदरा में बन रही रिफाइनरी में सुबह काम कर रहे एक मजदूर शिंदे सिंह की मौत हो गई। वहीं शाम को भी एक मजदूर मंटू सिंह की काम के दौरान तबियत बिगड़ गई, उसे अस्पताल ले जाया गया, वहां इलाज के दौरान मौत हो गई। बालोतरा के कालेवा गांव में भी मूलाराम की खेत में काम करते समय 6:30 बजे तबियत बिगड़ गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए, जहाँ उसकी मौत हो गई। वहीं जालौर में महिला घर में काम करने के दौरान बेहोश हो गई, उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक महिला लू लगने के कारण बेहोश हुई थी। जालौर में हीट वेव से 2 बुजुर्गों की मौत हो गई। दोनों रेलवे स्टेशन के पास अचेत अवस्था में मिले थे। इनमें से एक बुजुर्ग गुजरात के डीसा का रहने वाला था। वहीं शाम को जिले के आहोर के रहने वाले 30 साल के युवक पोपटलाल की भी लू से मौत हो गई। वहीं बाड़मेर में तापमान लगातार दूसरे दिन 48 डिग्री के पार रहा। पिछले 24 घंटों में राजस्थान में पहली बार अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस को रिकॉर्ड किया है। सर्वाधिक अधिकतम तापमान फलोदी में 49 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा जैसलमेर और बाड़मेर में लगातार दूसरे दिन भी अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस और इसके ऊपर हुआ है। इसके अलावा राजस्थान में चल रहे हीट वेव और सीवियर हीट वेव का दौर अभी भी अगले 3-4 दिनों तक जारी रहेगा। इस दौरान राजस्थान के अधिकांश भागों में यानी जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग, इसके अलावा अजमेर, उदयपुर, वहीं कोटा और भरतपुर संभाग के अधिकतर भागों में आप देखेंगे अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। इस दौरान अधिकांश भागों में सीवियर हीट वेव की परिस्थिति रहेगी। पश्चिमी राजस्थान के कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान 47 से कहीं कहीं 49 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड होने की प्रबल संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान में भी ज़्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड होने की संभावना है। यानी सीवियर हीट वेव का दौर अभी भी अगले 3 दिनों तक जारी रहेगा। इसके अलावा 29-30 मई से राज्य के कुछ भागों में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी और जो सीवियर हीट वेव का दौर जारी है इसमें कुछ राहत मिलने की संभावना है। धन्यवाद। बाड़मेर दुनिया का दूसरा सबसे गर्म शहर रहा। दुनिया के 15 गर्म शहरों में राजस्थान के 5 शहर हैं। इनमें बाड़मेर के साथ फलोदी, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू और कोटा भी शामिल है। इधर जैसलमेर से सटे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तापमान 53 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कल से राज्य के 22 जिलों में अगले 3 दिन के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं कई शहरों में तापमान लगातार बढ़ने के चलते पानी का छिड़काव कराया जा रहा है।